टाटा आईपीएल 2024 का मैच नंबर 30 जो आरसीबी और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच में खेला था। और ये सिर्फ मैच नहीं था, ये तो रिकॉर्ड्स ब्रेकिंग मैच था। आप इस मैच को छोड़कर बाथरूम तक नहीं जा सकते थे। दरअसल हम खुद मैच को छोड़कर कहीं नहीं जा रहे थे। इस मैच के कारण हम शादी का भोज तक छोड़ दिए। क्या मार मारा है ये हैदराबाद बालों ने, मार के धजिया उड़ा दिया आरसीबी के बॉलरों को। किसी भी बॉलर का इकोनॉमी 12 के नीचे नहीं है। आर टोपली जो आरसीबी को टोपी पहना रहा है, ये 4 ओवरों में 17 के रन रेट से 68 रन लुटाया है। यश दया जो रिंकू के हाथों से 5 छक्के ठोकाने के बाद आरसीबी कौन हिसाब से इसे खरीदी है, ये भी 4 ओवरों में 51 रन दिया है। बेसक भी अपने 4 ओवरों में 16 के रन रेट से 64 रन पिटाया है। और ये बंदर के जना लौकी फर्गसन जो इंटरनेशनल मैचों में किसी भी बैट्समैन को धार नहीं लगने देता, और आज ये भी 4 ओवरों में 13 के रन रेट से 52 रन लुटाया है। दरअसल ये सब की कोई गलती नहीं, गलती तो आरसीबी के मैनेजमेंट की है। जो भी आरसीबी में आता है उसी की परफॉर्मेंस बिगड़ जाती है। ये महाबीरवा वाला ट्रेविस है, ये भी तो कभी आरसीबी का ही हिस्सा हुआ करता था। बाहें से रन नहीं लग रहा था और जब जैसे ही आरसीबी इसे बाहर फेंकी तो इसका परफॉर्मेंस 7वें आसमान पे पहुंच गया। ये महाबीरवा वाला दम ब्लू जर्सी वालों पे हाथ मुंह धोकर पड़ गया है। क्या जरूरी थी आरसीबी को अपनी जर्सी ब्लू करने की, पहले ठीक नहीं था इसका जर्सी? गलत जर्सी की नहीं बंदर के जनन, गलती तुम सब की। वैसे चूतिया तो हम सब है जो हम तुमको सपोर्ट करते हैं, बिकॉज फॉर द रीजन ऑफ विराट कोहली। हम सबका दिल और इमोशन सिर्फ और सिर्फ विराट कोहली से जुड़ा हुआ है। जिस दिन भी विराट आरसीबी को छोड़ेगा उस दिन तुम सबको देखकर कुत्ता भी मुंह मोड़ लेगा। अभी तो ये ढंग का बॉलर खरीद ले, हर बार एक ही गलती करता। जब से हम आईपीएल देखना शुरू किए हैं तभी से देख रहे हैं कि आरसीबी के पास कभी भी ठीक ठाक बॉलर आया ही नहीं है। हारो बंदर के जनन और बढ़िया से हारो। आज तो हैदराबाद तो 287 ही न बनाया है। हम तो चाहते हैं कि हर टीम कम से कम तुम सबके खिलाफ 300 रनों का स्कोर करे और मैक्सिमम जितना बन जाए, तब समझ में आएगा तुम सबको कि मैच हमेशा बैट्समैन ही नहीं जिताते, बॉलर का भी 75% ही योगदान रहता है। चलो छोड़ो ये सब बंदर के जनन को, मैच पर आते हैं। सिर्फ टॉस के समय ही मैदान पे शांति थी, उसके बाद तो 5 घंटों तक हाईलाइट ही चला है। जो आता था वही उड़ाने लगता था। स्टार्टिंग में ये महाबीरवा वाला ट्रेविस है और अभिषेक शर्मा ठोका, तो इसके बाद हेनरी क्लासेन, मार्करम और अंत में ये अब्दुल समद भी बहते रन में अपना हाथ धो लिया। अभिषेक शर्मा जो 22 बॉलों में 2 चौके और 2 छक्के की मदद से 34 रन ठोका। इसके बाद ये महाबीरवा वाला ट्रेविस है जो ब्लू जर्सी के पीछे हाथ मुंह धोकर पड़ा हुआ है, ये तो और 39 बॉलों में ही शतक ठोक दिया और मात्र 41 बॉलों में 248 के स्ट्राइक रेट से 9 चौके और 8 छक्के की मदद से ताबड़तोड़ 102 रन ठोके। फिर क्लासेन का बल्ला बोला, ये तो 31 बॉलों में ही 2 चौके और 7 छक्के की मदद से 67 रनों का योगदान दिया और बना दिया आईपीएल हिस्ट्री का सबसे बड़ा 287 रनों का स्कोर। ये बंदर के जनन क्या खाके मैदान पे उतर रहा है। मात्र 17 दिन पहले ही मुंबई के बॉलरों को दौड़ा दौड़ा के पीट कर 277 रन बनाया था और आज भी 287 रन बना दिया है। ए विनोद, जरा पूछो तो काव्या मरन से, ब्रेकफास्ट में एसआरएच के प्लेयरों को क्या खिला रही है? एक अलग ही मूड में उतरी है एसआरएच इस बार। आपको का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया इस मैच में, एक ही इनिंग्स में सबसे ज्यादा 22 छक्के पड़े हैं और वहीं पूरे मैच में भी 38 छक्के पड़े हैं। इसके साथ साथ एक ही मैच में टोटल 549 रन बन गए जो शायद अब कभी भी ना बने। और वहीं जब आरसीबी उस विशाल 287 रनों का पीछा करने उतरी तो पावर प्ले में तो तेजी शुरुआत की। वे अपने 6 ओवरों में बिना विकेट गवाए लगभग 80 रन बना दिए थे, लेकिन किसकी नजर लगी कि वहीं विराट कोहली का विकेट गिर गया। वे अपने 20 बॉलों में 6 चौके और 2 क्लासिकल छक्के की मदद से 42 रन ठोके, वो भी 210 के स्ट्राइक रेट से। अब तो कोई नहीं बोलेगा कि अब भी स्ट्राइक रेट कम है विराट कोहली का। इसके साथ फाफ डु प्लेसी भी कुछ देर लड़े और ये भी 28 बॉलों में 7 चौके और 4 छक्के की मदद से 62 रन ठोके। इसके बाद सिर्फ आओ जी जाओ जी चल रहा था और अंत में बुढ़ाओ कार्तिक चचा जो बुढ़ारी में भी जवानी का भूत चढ़ा है, क्या बैटिंग की। वे मात्र 35 बॉलों में ही 5 चौके और 7 छक्के की ताबड़तोड़ बैटिंग से 83 रन ठोके। और जब तक क्रीज पर थे तब तक कैसा लग रहा था कि कहीं ये भी रन चेस ना हो जाए। बूंद बूंद से घड़ा भरता है समंदर नहीं, उतना रन चेस होना लगभग नामुमकिन सा है। लेकिन आरसीबी वाला लड़ते लड़ते ये सब भी 262 रन बना ही दिया था। क्या मैच था। इस मैच में आईपीएल हिस्ट्री का एक और रिकॉर्ड भी टूटा जो मात्र 30 ही मैच में 500 छक्के पड़ गए हैं। इस बार तो लग रहा है अंत होते होते कहीं एक ही सीजन में 1000 छक्के न पड़ जाए। तो दोस्तों, क्या दिनेश बुढ़ाओ कार्तिक चचा को T20 वर्ल्ड कप खिलाना चाहिए या नहीं, कमेंट में आप जवाब दे सकते हैं। और वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।